अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ताहर शाह दूशा एंड यू आर वाचिंग फीफा। हे गाइस, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड्स। मैं हूं संदीप कलानिया एंड आज मैं हूं एक ऐसे शख्स के साथ जिनके लिए हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। चलने को कहते यार हम परवाना बना दीजिए। ताजदार दाह, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल। क्या कहना है, दीवाना तो आपने सही में बना दिया है लोगों को। इस चिल इन अ ट्रेंड, टॉप ट्रेंड की लिस्ट में चल रही है सीरीज, क्या कुछ कहो? पहले तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा मौका मिला है जहाँ पर मैं अपनी फैमिली आई कैन मेक देम फील प्राउड, मेरी मम्मी बहुत प्राउड फील करती है। ये जो नेशनल क्रश और ये जब जो चल रहा है, ये सारा क्रेडिट सारी सर को जाता है और नेटफ्लिक्स पर जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों तक पहुँचाया है। और ताजदार मैंने बहुत ही, मेरा छोटा एक छोटा ही हाथ है इसमें, पर मैं बहुत ही मतलब ग्रेटफुल हूँ। और सालों की मेहनत है, 14-15 साल की मेहनत है, काफ़ी लंबी जर्नी। ये जर्नी ऑब्वियसली काफ़ी मैजिकल होती है आपके लिए, व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस जर्नी? दिस जर्नी इज बहुत ही, लोग बोल रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर मतलब है कि इसमें मेरे बहुत सारे डाउन्स और डाउन ही डाउन है। मुझे लगता था कभी कभी कि कभी कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, पर जब भी ऑलवेज आई यूज्ड टू गो डाउन। कभी कुछ प्रोजेक्ट मिलते थे तो मैंने साइन भी किया होता था, पर अचानक से या तो प्रोजेक्ट बंद हो जाते थे या तो मुझे निकाला जाता था। कुछ प्रोजेक्ट्स तो साइन करने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ कर किसी और के साथ शूटिंग करने के लिए बताया। सो आई हैव बीन थ्रू इट, आई सीन ऑल दिस थिंग हैपन। तो मैं जानता हूँ कि जब ऐसी कोई चीज़ होती है और जब आप लोग आपको इतना प्यार देते हैं, यू शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, वैल्यू इट। तो मैं हर मैसेज पढ़ता हूँ, मैं हर इंस्टाग्राम के हर मैसेज पढ़ता हूँ, और इंस्टाग्राम पे तो हर 30 सेकंड को एक मैसेज आ रहा है। सो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू यू नो ट्राई टू मतलब सब पढ़ने के लिए, पर जितना भी होता है मैं कोशिश करता हूँ। आई वैल्यू दिस अ लॉट, आई वैल्यू देयर लव, आई वैल्यू दिस सीरीज, आई वैल्यू दिस मंसाली सर। जब किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया, जब कास्टिंग से मुझे कोई भी ऑडिशन नहीं आता और मुझे लिटरली मिन्नतें मांगनी पड़ी कि मुझे एक ऑडिशन, कोई भी ऑडिशन, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, और फिर सारे सारे मुझे लीड बना दिया। सो दिस इज लाइक यू सेड अ मिरेकल, इट्स अ मैजिक तो है ही, बट इट्स अ मिरेकल। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। हाँ, जब हम आपसे मिले थे सक्सेस बेंच पे, आपने कहा था योर मॉम विल देयर विद यू एवरी टाइम डाउनफॉल, जैसे आपने कहा जर्नी उठाई, लेकिन मम्मा का सपोर्ट हमेशा था। जानना चाहेंगे उनका क्या रिएक्शन था व्हेन यू गेट दिस, एंड आज क्या रिएक्शन है जब आपको हर कहीं से प्यार मिल रहा है? माय मॉम डजंट रियली स्पीक मच टू मी, लाइक हमारी जैसे मतलब मैं हमेशा अपने क्लासेस में अपने ये में बिजी हूँ। माय मॉम इज ऑलवेज बैक एंड टॉकिंग टू माय टीम, मोस्टली ऑलवेज digging out all the information from my team, but I know ki she is the engine behind this whole machine, aur unke bina main aaj tak main yahan pe tik nahi paata. And when I got the show, she said that, you know, she didn't say anything, she was very happy, but abhi jo release hui hai unhone tab kaha nahi ki I'm happy, she never said I'm happy, she was happy, she's smiling, she said गुड जॉब। बट अभी जब रिलीज़ हुई, और ये अभी कल रात को मैं जब मैं घर आया था तो मेरा दरवाज़ा खुला होता है और एक जाली रुकी होता है, तो हम देख सकते हैं अंदर। एंड शी जस्ट स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम एंड शी वेरी, शी जस्ट स्माइलिंग एंड शी इज वेरी हैप्पी, जस्ट गोइंग थ्रू इट, यू नो, एंड सीइंग हर लाइक दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी, यू नो, इट मेक्स मी फील लाइक फाइनली समथिंग इज देयर फॉर हर, यू नो, टू बी प्राउड ऑफ बिकॉज ऑफ मी। एंड मेरे हमेशा यही तमन्ना है कि मैं अपनी मम्मी को और प्राउड करूँ, उनका नाम ना आसमान में लिखूँ। तो दिस आई होप दैट दिस इज जस्ट फर्स्ट स्टेप। एंड शी एक्चुअली कॉल करके वो मुझसे पूछती आर यू हैप्पी, और मेरे लिए ना मैंने इतने मतलब जैसे मैंने कहा इतने डाउनफॉल देखे हैं, सो फॉर मी फेलियर्स एंड सक्सेस हैव बिकम वेरी स्ट्रेट।
लाइक जब जब कुछ होता है तो मैं ऐसे नहीं हो जाता, और जब जब कुछ फेल जाता तो मैं ऐसे गुजार नहीं जाता। आई एम लाइक दिस, आई मीन ठीक है ये नहीं हुआ तो कीप ट्राइंग, ये हो गया कीप ट्राइंग, बट जस्ट कीप ट्राइंग, कीप 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 हसलिंग, कीप ट्राइंग। सो आगे से वो बोलती हैं कि आर यू हैप्पी, लाइक वेल आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, यू आर हैप्पी आई डोंट नो, बट आई एम वेरी हैप्पी, शी इज सो शी इज दैट्स ऑल आई वांट टू डू। Why? Because my friend Tushar would kill me. He, हम लोग ने पिछले 12 साल से हम 13 साल से हम लोग साथ में काम करते हैं, and he has always believed in me. Many a time when I have lost faith, मैंने कहा था कि नहीं मैं खतरों में चला जाता हूँ, या मैं बिग बॉस में इतने ऑफर आए थे, और जस्ट बिफोर आई गॉट हीरा मंडी उस वक्त में ऑलमोस्ट मैंने सबको मैं मिल चुका था, और मैंने बोला भाई मुझे चाहिए नहीं चाहिए, मैं करने वाला हूँ, ओके। लाइक नहीं नहीं, उसने मम्मी को फ़ोन किया, उसने मुझे हज़ार बार फ़ोन किया, वो दिमाग खा गया, तो उसने करने नहीं दिया। मैं बोला मैं जानता हूँ, वेट वेट, अगर तुमने ये किया तो फिर मेरी ट्रैजेक्टरी कुछ अलग हो जाएगी, प्लीज़ वेट। सो ही फॉट विद मी, हिज मदर फॉट विद मी, देन माई मदर फॉट विद मी, सो फाइनली आई हैव टू जस्ट गिव अप द थॉट, क्योंकि मैं सोचता कि थोड़ा सा मतलब रिकग्निशन हो जाएगा तो फिर थोड़ा काम आ जाएगा, बट दैट वॉज मे बी नॉट द राइट स्टेप एट दैट पॉइंट इन माई करियर, एंड आई एम सो ग्लैड आई हैव यू नो सच गुड पीपल इन माई लाइफ हु आर टेकिंग आउट द टाइम एंड एफर्ट टू थिंक अबाउट माई करियर एंड से नो आई बिलीव इन मी, जब मेरे पास कुछ नहीं था, सो इट्स ऑल थैंक्स टू देम कि मैंने रियलिटी शो नहीं किया, एंड होपफुली नाउ वी कैन होस्ट रियलिटी। As you also said, national crush का tag मिला है, और अगर मैं character की भी बात करूँ तो इस character में भी काफी shades थे जिस वजह से उसको green flag भी मिल चुका है। Green carpet, green forest. Yeah. इसलिए ऐसा होता है जिसके वजह से कहा जाता है ये red flag क्यों बन गया, क्यों दिल टूट गया, when you said के तब आई वो से निकाल के इधर किया जाता है। तो how would you explain this to the audience कि क्यों हम पीछे हट गए, लेकिन दिल तो तोड़ा है। I believe that if as a human being, if you're all green flag, then you're red flag. You know, you have to have a gray tag. Everybody is a gray tag. You can't be goody two shoes. No human is like that. Second of all, even today, if I had the choice, not last time, if I had a choice and I had to choose love and Mother India, then I would choose Mother India, because Mother India is a bigger calling. Breaking one heart or breaking 1.8 billion people's hearts, you know, if you can actually stand there and change something for them and you don't, then you might get married, you might have children, but then 10 years, 15 years down the line, aapko hamesha wo regret rahega ki maine apne desh ke liye maine kuch nahi. So I believe Tajdar as a character has stood up for the love, but for the love of the country, and has to make sacrifices of his near and dear ones. Right now you can also say that he turned against his father. Technically a green flag should not turn against his father, and should always listen to the father's rules and regulations, right? That's how a green flag is. So then that also is a red flag. So it's a way of looking at it. I believe that when you have a larger calling in life, you should always follow the larger calling for the greater good of the people. So if he's a red flag for that, then well be it. ताजदार की बात करें तो ताजदार के साइड में एक काफ़ी सपोर्ट था, यू हैव अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस विद योर फेवरेट कुत्सिया, तो क्या कुछ उनसे सीखा है ना? अगर पूरी सीरीज की बात करें तो इट वॉज अ पैकेज ऑफ टैलेंट, मलिका जहान, अदिति राव हैदरी, फरीद है, सो इट वॉज अ पैकेज, तो क्या कुछ किसी ने सीखा है, किससे कुछ टिप्स लिया? You have to absorb what they are doing. Let's just say Farida ma'am. Farida ma'am is a ball of joy. वो हमेशा set पे हमेशा खुशहाल था. जब वो set पे आती है, it always feels like this new person has come to set. जब ऐसे जिसने कभी shooting ही नहीं की, she's looking at everything with curiosity. She's looking at everything with a wow, oh wow, you know. And she never complains. So you get to learn that from her.
50 plus years in the industry, not a joke. To survive and thrive, not a joke. Right? So you get to understand that उन्होंने बहुत ही बहुत कहानियाँ बताई मुझे कि उन्होंने सचिन सर के साथ काम किया या उन्होंने राजे सिन्हा सर के साथ काम किया हाउ दे सैट द हीट कोई ए सी नहीं कोई बैटरी वैन नहीं कुछ भी नहीं था तब भी वो छाव में बैठ के सब लोग एक साथ वेदर यू आर जूनियर आर्टिस्ट वेदर यू आर मेन आर्टिस्ट सब एक साथ बैठते थे छाव में एंड जब आपकी बारी आती थी तो आप जाके शूट करके आ जाते थे यू नो सो यू गेट टू लर्न दैट फ्रॉम हर Manisha ma'am, you can learn such royalty, such voice from her. You know, जैसे वो हमेशा on set, she never leave her character. जब भी वो set पे enter होती है, she will be Mallika Jha. वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती. She stick to her character. You get to learn that from her. So now she free spirited. So now she's always she's like I would just say like my friend. She become my friend. Almost, you know, when you can see the kind of ease. That she has in her lines, you know, the kind of ease that she has in her personality. You know, with Aditi, she's again from a royal family. Unse jab aap seekhte to aap, you know, you learn a lot about how she has, you know, how her family has done a lot of things. You learn from her how she sacrifices. Let's say like so many things when she's on set, she wants a few things, but jab tak scene khatam na ho, tab tak wo matlab wo distract nahi hoti, right? So everybody has a different personality. Aapko ready hona chahiye. मैं जानता हूँ शर्मन को आई ऑलवेज सेड दिस एंड आई नो दैट एवरी डे शी इज ऑन सेट शी इज ऑलवेज पुट हर बेस्ट फुट फॉरवर्ड शी इज ऑलवेज ट्राइड हर बेस्ट एंड यू नो ऑफ कोर्स मिस्टर भंसाली हैज पुट हर थ्रू अ राउंड ऑफ ऑडिशंस आई एम श्योर एंड ही यू नो व्हेनेवर शी वाज ऑन सेट वी वर ऑन सेट भंसाली सर वाज ऑलवेज ऑन सेट एंड डायरेक्टिंग अस यू नो सो आई बिलीव दैट शी हैज पुट हर बेस्ट फुट फॉरवर्ड And that's what matters. I mean, audience ne kya socha hai ya kya bola hai. Of course, I'm not really have the time to see all of it. But I do know that she's very talented. And I wish that you know, she wants to continue being an actress. And I wish her the best. Well, Tanzar ka craze khatam nahi hua hai. To Taha ka bhi craze badh chuka hai. We have seen on Gaan Chhodo kis tarike se fans were there for you. What do you want to say on that? Or ye experience Gaan Film Festival ka experience kis tarike ka raha hai ka? Gaan Film Festival ek alag hi baat hai. आप उसको मतलब एम नहीं कर पाओ और अकेले किसी आदमी का मैं बस में बल बस में नहीं है कि आप उसको वहाँ पर जाके आप करना चाहते हैं टीम वर्क में जाकर तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि अगली बार मैं कैंप में जब जाऊँगा तो मैं एटलीस्ट 10 लोगों के साथ जाऊँगा और जो मेरी फौज होगी और फिर हम जाके वहाँ पर चिंता करेंगे बट ओवरऑल अगर बात करूँ पहली बार अनफॉरगेटेबल जब आप इतने इतने सारे अलग अलग मुल्कों के अलग अलग देशों के वहाँ पे लोग और इट वॉज द बेस्ट पार्ट एंड इट इज़ इट्स अ हब फॉर फिल्मिंग ऑल अबाउट फिल्म एवरीबडी इज अबाउट वॉन्टिंग टू मेक बेटर फिल्म फ्रॉम देयर कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज के फिल्म कमिश्नर अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसडर्स अलग अलग कंट्रीज के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स एक्टर्स आर्टिस्ट व्हाटएवर सो मेनी पीपल फेस्टिवल्स फिल्म फेस्टिवल्स सो फॉर मी इट वॉज लाइक एक बच्चा एक टॉय शो में चला जाता है So for me it was like that. When I was in wow, I was like, "Yahan pe to main har saal aaya." That's what I felt, and it's so inspiring. When I saw the whole red carpet, and Mahmoud I met a few people. It was Francis Ford Coppola's film. बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा ना मैं इंस्पायर हो गया मेरे पास एक वीडियो है जहाँ दूर तक आप देखो इतना बड़ा सिनेमा इतने लोग क्लैप कर रहे थे सो इट वॉज रियली इंस्पायरिंग और मैं बस मेरी यही तमन्ना है कि एक दिन मेरी खुद की फिल्म वहाँ पर कांस की ओपनिंग नाइट प्ले तब मतलब क्या बना एंड ऑफ कोर्स आई वेंट टू कांस नॉट ओनली टू नेटवर्क एंड हसल बट आल्सो मेरी एक फिल्म आई फारूक एंड दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट दिस इज अ फिल्म ऑन अ सोशल सब्जेक्ट दिस सब्जेक्ट इज अबाउट प्राइड स्लेवरी जो विवाद में होती है
सारे लोग नहीं जानते इसके बारे में, मैं खुद नहीं जानता था जब तक ये कहानी मेरे पास आई। तब मैंने जाके जब मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखे, रिसर्च देखा, ट्रुप्ती जो उसे भी है उन्होंने मुझे अपना रिसर्च दिखाया, वो वहाँ पर गई थी खुद। एंड इट्स नॉट वेरी सेफ फॉर वुमेन बिकॉज वुमेन कैन बी अब्डक्टेड, सो आई बिलीव दैट आई थिंक इट्स अ सब्जेक्ट दैट नीड्स टू गो टू द पीपल, लोगों को देखना चाहिए। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि वुमेन गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, दे हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर देयर फैमिली, दे हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर देयर हस्बैंड, दे हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर देयर चिल्ड्रन, यू नो एवरी मंथ दे गो थ्रू अ सर्टेन पीरियड व्हिच इज दैट मेन कैन नॉट इवन इमेजिन द काइंड ऑफ पेन दैट दे गो थ्रू। बिसाइड्स दैट सो मेनी अदर थिंग्स लाइक दिस अबडक्शन ऑफ वुमेन, trafficking of women, you know, bride slavery which is happening, unheard of, and why? Anyway, it is what it is. I just hope that our efforts together, me and my family, and all the people who support, can help me push this film out and make a change, and hopefully change one woman's life. Hopefully. Before we end, what do you want to मैं बस ये कहूँगा कि सबसे पहले तो थैंक यू के लिए लगातार दे से कि कोई भी सपना छोटा है बड़ा नहीं, आप हमेशा अपने सपने के पीछे काम और सक्सेस के आप पीछे क्लियर उसके अलावा आई वी को आई नो अंडरस्टैंड कि आपके एक्सपेक्टेशन भी बढ़ चुके हैं मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपेक्टेशन और बढ़े, जितने एक्सपेक्टेशन आपको बढ़ेगी उतना मैं और करूँगा।